हाँ मैं ट्रेल इसके बारे में तो मामी फेस्टिवल जब लास्ट ईयर हुआ था तब से मैं सुन रहा हूँ तिथि के बारे में। और वैसे मैं बैंगलोर से हूँ, मैं कर्नाटक को बिलोंग करने वाला हूँ, तो ये फिल्म कन्नड़ा में है और काफ़ी बहुत सालों बाद एक कन्नड़ा फिल्म के बारे में जो चर्चा है, पॉजिटिव चर्चा सुन रहा हूँ मैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड, इस फिल्म को देखना मिल रहा है मुझे, एंड माई बेस्ट विशेज टू तिथि। और सब टाइटल्स की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो किसी को फिल्म के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं अनुवाद कर दूँगा आपके लिए। ऐसा तो मत कहिए कि स्लो पेस फिल्म है, ये पता नहीं, मैं देखूंगा और खुद मैं अपनी राय बना लूँगा कि फिल्म फास्ट पेस है या स्लो पेस्ड है। हर किस्म का सिनेमा मुझे देखना अच्छा लगता है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि आर्ट सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा है, एक्शन फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, हर भाषा में, मतलब यूरोपियन सिनेमा, अमेरिकन सिनेमा, हिंदी सिनेमा, मराठी सिनेमा और कोई भी भाषा, अच्छी फिल्म है तो मैं वो देखना पसंद करता हूँ। इट्स अ वेरी पॉजिटिव रेवोल्यूशन, सायराट इज सच एन अमेजिंग फिल्म एंड देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम फिल्म लाइक दिस एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड होपफुली इवन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विल टेक अ वेरी पॉजिटिव क्यू फ्रॉम फिल्म लाइक सायराट। I have no idea what this controversy is about. I am so sorry. Okay, cheers guys, bye bye. मैं तीन बार देख चुका हूँ, मतलब फिल्म के बारे में मैंने इतनी फनी फिल्म, ऐसी नेचुरल फिल्म कभी देखी नहीं है। और सबसे सरप्राइजिंग है कि फिल्म कन्नड़ लैंग्वेज में, मैंने पहली बार लोकार्नो में देखी थी जहाँ पे अवार्ड मिला इसको, फिर उसके बाद मैंने दो बार स्क्रीनिंग यहाँ पे खुद कराई है, आज भी कराया है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आमिर खान ने देखी, उनका ट्वीट पढ़ा होगा आपने, ये फिल्म है ऐसी कुछ, इतनी खास फिल्म आप देखोगे तो मज़ा आएगा। कुछ नहीं, मैं तो फिल्म देख के खुद ढूंढा कि आदमी कौन है, इनके होटल तक गया लोकार्नो में ढूंढने, उसमें मिले नहीं तो फिर वापस जाना पड़ा, फिर बाद में इंडिया आके इनको ढूंढा मैंने, मैं कहा यार तुम्हारी फिल्म देखी बहुत अच्छी लगी मुझे और दिखानी लोगों को, हम लोग तब से बहुत लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज आई थिंक इज वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म, और इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस इतने सारे नॉन एक्टर्स की आपने कभी नहीं देखी होगी। इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाया आज तक, इस तरह का नेचुरल परफॉर्मेंस इतने सारे नॉन एक्टर्स के साथ मैं आज तक नहीं निकाल पाया, मैं ये ढूंढता रहता हूँ इस आदमी ने किया कैसे जो भी किया। मतलब उसमें सब भी ट्रेंड एक्टर्स हैं, ये गाँव वाले हैं, एक्चुअल गाँव वाले हैं, एक्चुअल रियल पीपल हैं, और इस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने की है जो कि बहुत कमाल है। मतलब जब आपने इनके एक्टर्स को ले जाएगा मीडिया के सामने, वो अपने गांव की प्रॉब्लम बता रहे थे, वो फिल्म को उनको नहीं मालूम उन्होंने क्या किया है। काम कॉन्ट्रोवर्सी आप ही ने क्रिएट किया, आप ही सोल्यूशन बताओ, वो तो आप ही ने उसको बैन डिक्लेयर किया, ना पिक्चर बैन हुई ना कुछ हुई, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, आप ही सब क्रिएट कर रहे हो, तो आप ही को सोल्यूशन देना चाहिए। आप बता दीजिए क्या एग्जैक्टली कुछ नहीं हुआ, जो नॉर्मल होता है फिल्म जो है उन्होंने रिवाइजिंग कमेटी को रेफर की, रिवाइजिंग कमेटी देखेगी, अभी पता है जब देखेगी तब पता चलेगा क्या हुआ। ये फिल्म मेरी नहीं है, ये फिल्म अभिषेक चौबे की फिल्म है, मैं सिर्फ वन ऑफ द मेनी प्रोड्यूसर्स हूँ पिक्चर में, मैं जो फिल्म डायरेक्ट करता हूँ उसका सेंसर बोर्ड के साथ लॉगर हेड रहा है, जो फिल्म मैं प्रोड्यूस करता हूँ उसका कभी नहीं रहा है। सुबह से चार बार लोग पूछ चुके हैं, आई एब्सोल्युटली बीन नॉन अवेयर ऑफ इट, आई डोंट नो रियली व्हाट्स गोइंग ऑन एंड आई डोंट रियली नो व्हाट्स हैपनिंग, सो कोई भी चीज आपको आधी मालूम हो ना कभी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो मुझे मालूम है, मुझे आप लोगों की आदत मालूम, मुझे मीडिया की आदत मालूम है, मुझे मालूम होगा तो मैं कहूंगा और आप उसको ब्लो करोगे, और आपको मुझे ये भी मालूम है कौन सी लाइन आप पिकअप करके उसको हेडलाइन बनाओगे, मुझे वो भी पता है, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आपको पता है तभी आप बात करो, नहीं तो मैं बात करो। वो दैट ही थिंक्स आई लव हिम एज मच एज ही लव्स मी, आई एक्चुअली लव हिम मोर। थैंक यू, तिथि देखो अभी। आई थिंक फिल्मों को अलग उनकी कहानियाँ बनाती हैं, एंड तिथि की कहानी बहुत चर्चा में रही है, एंड आई बीन डाइंग टू वॉच तिथि, एंड आई एम सो ग्लैड दैट अनुराग सर इज होस्टेड दिस शो टुनाइट, एंड आई एम जस्ट वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू
वॉच दिस फिल्म। आई थिंक सबकी अपनी पर्सनल राय होती है कि हर इंसान को वो कहानी कैसे छूती है, बट वो सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मतलब वो ठीक है, उसमें कुछ अलग बात नहीं है। We all are very excited, team Raman Raghav, and it's releasing on the 24th of June, and it's got great response at Cannes, got a standing ovation, and our promotions are going to start full-fledged now in the month of June, and we are really looking forward to the release. Did you, by any chance, watch the Tanmay Badu, which is very tipped-out comedy against Lata? No, I haven't, but I've been reading a lot of tweets going on Twitter. Well, I haven't seen, so I can't give my take, but I have no clue what's going on, but I mean, there's some chaos going on Twitter today, I know that. Yet you didn't find it. I didn't. देखिए, रमन राघव कैरेक्टर रहा है 60s में, जिन्होंने बॉम्बे में तकरीबन 40 मर्डर्स किए थे। रमन राघव 2.2 अनुराग सर का एक कंटेम्प्रराइज वर्जन है उस फिल्म का, एंड इट इज़ काइंड ऑफ फिक्शनलाइज्ड, एंड उसमें सारे कैरेक्टर्स फिक्शनलाइज्ड हैं, बट काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एंड ट्रू कैरेक्टर्स इन रियल लाइफ। थैंक यू सो मच। हाँ जी 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 जी, मेरे को काफ़ी मतलब काफ़ी एक्साइटेड हुई है फिल्म के बारे में, बहुत तारीफ हो रही है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, एंड आई एम रियली ग्लैड कि कन्नड़ फिल्म को इतना सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, एंड जस्ट देखना चाहता हूँ फिल्म को और इंजॉय करना चाहता हूँ। अभी अगर आप देखें तो काफ़ी फिल्में ऐसी रीजनल फिल्में आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इनफैक्ट अभी सैरत की काफ़ी तारीफ़ हो रही थी, मराठी फिल्म जो है, एंड आई थिंक तिथि की भी इसी तरीके से बहुत तारीफ़ हो रही है, एंड सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो बहुत सीखने को भी मिलता है, बिकॉज रीजनल फिल्मों में काफ़ी कॉन्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आजकल आ रहा है, एंड हमारी बॉलीवुड फिल्मों में भी आ रहा है, लेकिन और ज़्यादा आ सकता है जितना रीजनल फिल्मों में आ रहा है। आई थिंक फिल्में तो मोस्टली सारी फिल्मों की स्टोरीज जो होती है, अगर आप देखा जाए तो देखें तो काफ़ी मतलब मज़ेदार स्टोरीज ही बनती हैं, चाहे वो रीजनल सिनेमा में हो, बॉलीवुड में हो, तो ऐसा कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है कि आपको भी पसंद आती है, ऑडियंस को भी पसंद आती है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म तो किसी फिल्म का नहीं लगा, मतलब मैं नहीं करना चाहूँगा, बट सारी फिल्में ही अच्छी बनती हैं, सब अपना 100% देते हैं। आई थिंक ये तो देख के ही पता चलेगा, मैं एक्साइटेड तो हूँ देखने के लिए, एंड क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता उसके अंदर, बट ये सिनेरियो और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, इंट्रीगिंग है काफ़ी, तो मैं तिथि देखना चाहूँगा पहले उसके लिए। थैंक यू सो मच। मेरे सब दोस्तों ने मुझे, किरण ने भी ट्रायल रखा था, उन्होंने भी कहा था कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्पेशल फिल्म, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फिर अनुराग का मैसेज आया, अनुराग सर का, सो आई थिंक आई शुड बी मिसिंग इट। Do you think the kind of regional, the kind of cinemas regional industry is producing, one day it will overtake Bollywood in terms of content and stuff? I don't know, I think definitely overtake Bollywood का तो पता नहीं मुझे, I don't think कि इस किस्म का competition actually exist करना भी चाहिए, हर किस्म का सिनेमा बनते रहना चाहिए, हर भाषा में बनते रहना चाहिए, and I think it's fantastic कि regional cinema में इतना amazing काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है हमेशा से हो रहा था, बस अब Bollywood थोड़ी ज़्यादा जागरूक हो गई है regional cinema के प्रति, इसलिए अब हमें वो दिखाई और सुनाई पड़ने लग रहा है, बट आई थिंक कि हर किस्म का सिनेमा बनना चाहिए, अल्टीमेटली फिल्म कहानियाँ होती हैं और अच्छी कहानियों के लिए हमेशा स्पेस होता है। क्यों मुझे
आर्ट सिनेमा, मैं प्रेम रतन धन पायो तनु वेलवनु रांझना में हूँ, मतलब कैसे क्या देखा जाता है ऐसी कहानी के लिए चुना जाता है जो बहुत मेरी दो आर्ट फिल्में आर्ट भी नहीं है वो लिसन अमाया और नील बटे सन्नाटा जो कि एक्चुअली मतलब बहुत ही सिर्फ कंटेंट हाई सिनेमा था तो लेकिन क्या था आपका सवाल मेरा सवाल ये था कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं इस बात से कि लोग आपको आर्ट की तरफ खींचते हैं और ऐसे यूनिक रोल्स आपको अप्लाई करते हैं देते हैं आप कैसे रिएक्ट कर पाती हैं और कितना चाहती है कि कमर्शियली आपको मिले या आर्ट ना मिले मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट पढ़ के ये नहीं सोचा कि ये कमर्शियल है कि ये आर्ट है मैंने हमेशा कोई भी स्क्रिप्ट सोच के ये सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मेरा इसमें क्या रोल है क्योंकि मैं एक बहुत लालची लड़की हूँ और मुझे हमेशा अच्छे रोल चाहिए होते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्ट फिल्म है या कमर्शियल फिल्म है मुझे अच्छा रोल मिलना चाहिए मेरा काम अच्छा होना चाहिए उसमें तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग मुझे अच्छे और यू नो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल तो क्या ही बट ऐसे रोल्स देते हैं जो शायद दूसरी एक्ट्रेसेस ना करें मुझे इस बात का गर्व है नहीं ऑफ कोर्स मैं नेशनल टेलीविजन पे ऐसा कोई नाम नहीं लेना चाहूंगी आप क्या चाहते हैं कि मैं और गालियां पढ़े मुझे ऑलरेडी काफी ट्विटर पे गालियां पढ़ते रहती हैं नहीं मुझे ऐसी कोई फिल्म का नाम याद नहीं है बट मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तिथि को लेकर और अनुराग जनरली जिन फिल्मों को सपोर्ट करता है वो अच्छी ही निकलती है मुझे अनुराग की चॉइस पे विश्वास है या आई डोंट नो अबाउट तनु एंड मनु 3 बट आई विल डेफिनेटली टेल यू आई मीन आई एम नॉट इन एनी मोर तनु एंड मनु बच्ची हो चुकी है पायल की अब पायल को माफ करिए पायल थक चुकी है थैंक यू हैव यू आउटग्रोन द रोल योरसेल्फ नो नो आई एम नॉट आउटग्रोन एनी रोल मैं कभी भी आनंद राय और हिमांशु की किसी फिल्म को आउटग्रो नहीं कर सकती लेकिन मुझे लगता है अब ये सवाल मैं इसका जवाब मैं नहीं दे सकती बेटर है कि आनंद राय इसका जवाब दे लेकिन अगर वो बना रहे होंगे तभी भी उन्हें बोलूंगी कि पायल को माफ कर दो अब बच्ची हो चुकी है बहुत क्या करोगे पायल मरी जाएगी अगली फिल्म में ओके वन मोर क्वेश्चन यू नो लव इज देयर बिटवीन यू एंड हिमांशु एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट लव इज देयर लव इज देयर राइट सो यू नो वी नॉर्मली डोंट सी एक्ट्रेसेस कमिंग आउट इन द ओपन व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू आई डिड नॉट कम आउट इन द ओपन आई डोंट नो हु स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय मैरिज मैंने सिर्फ इतना कहा था कि नहीं भाई अभी मेरी शादी नहीं हो रही है बट यू गाइस आर इन अ रिलेशनशिप यस वी आर इन अ रिलेशनशिप थैंक यू